नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट का थर्ड सिस्टम रेडियन सिस्टम। लेकिन उससे पहले व्हाट इज पाई, सबसे पहले व्हाट इज पाई, ठीक है। व्हाट इज पाई इन एनी सर्कल, इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस या एनी डायमीटर, इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू पाई और विच इज कॉल्ड पाई। इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड पाई। किसी भी सर्कल में, सर्कल वो बिगर हो स्मॉलर हो, सर्कमफेरेंस को मेजर कीजिए और डायमीटर को मेजर कीजिए और डिवाइड कीजिए, तो हर सर्कल में इन दोनों का रेशियो सेम आएगा और कॉन्स्टेंट आएगा। इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं पाई। इन एनी सर्कल द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड पाई। ऐसे रियल में पाई है क्या? तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है और हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। दैट मीन्स कि पाई का भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। तो इन ऐसे लिखो, दैट इज पाई बराबर क्या हो गया? सरकम फेरेंस बाई डाई मेटर। सर्कमफेरेंस को सी लिखते हैं, डायमीटर को डी लिखते हैं, तो इसे सी के लिए फॉर्मूला हो गया पाई डी, और डी का आप जानते हैं डी डायमीटर है तो इसका 2r के बराबर होता है, मीन्स 2πr। तो 2πr सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला इसी पाई के डिफिनेशन से आता है। इनफैक्ट पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसके इन फैक्ट पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई इज एन इरेशनल नंबर और पाई एक ग्रीक वर्ड है, पाई ग्रीक से आया है और यह एक इरेशनल नंबर होता है, मीन्स इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर फुल स्टॉप। इट्स एप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 22/7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी यदि कोई प्रॉब्लम
हम लोग बनाएंगे, सोल्व करेंगे, उसमें यदि पाई आया तो 22/7 इसके जगह पर रख सकते हैं, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। इससे भी ज्यादा करेक्ट वैल्यू क्या है पाई का, इट्स मोर एप्रोक्सीमेट, वैल्यू इज 355/113। अब इसको देखो, इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज तभी होगा जब मेंसुरेशन में कोई डेटा में वॉल्यूम या एरिया इस तरह से 355 करके आया हो, 113 करके आया हो, तो समझो कि पाई का वैल्यू यही लेना है। जनरली पाई का वैल्यू यह होता है ना, तो 3.14 यूज होता है ज़्यादातर। अब देखो इसको याद रखना बहुत आसान है, इसको कैसे, हाउ टू लर्न इट, हाउ टू लर्न इट, इसको कैसे आप याद रखोगे, बहुत सिंपल, तीन कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिखो, 1, 3, 5, तीनों लगातार 1, 3, 5, और तीनों को डबल एड कर दो, डबल डबल 1, 3, 5, ठीक है, 3 कंजेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर 1, 3, 5, और तीनों को डबल कर दिए तो 1, 1, 3, 3, 5 है, और इसमें से हाफ को काटिए, नीचे लेके चल जाइए, इस हाफ को नीचे लेके चल जाइए, तो देखिए हो गया। तो याद रखना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक शब्द होता है रेडियन, क्योंकि रेडियन सिस्टम से पहले हमें समझना होगा कि रेडियन क्या है, रेडियन सिस्टम से पहले रेडियन क्या है सो समझना होगा। तो देखिए अब देखो रेडियन, ये आपका सर्कल है, यहां से यहां मिला दीजिए, रेडियस हो गया, ठीक है, और जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा एक आर्क लीजिए। जैसे मान लो कि यह 2 सेंटीमीटर है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। द लेंथ ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क आर इक्वल। अब यहां से यहां ज्वाइन कीजिए, तो जो एंगल बनेगा वह 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन। इसका मतलब कि 1 रेडियन क्या है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है, और कहां, तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल हो, ठीक है, तो आर्क का लेंथ क्या हो, रेडियस के इक्वल हो। तो यदि यह आर है ओ से आर तक, तो ये भी हमको आर होना चाहिए। तो फिर से देखो, इसका मतलब कि क्लियर है कि रेडियन एक एंगल है जो एक आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड होता है, और उस आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और यह ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है, एंगल मापने का ऐसा यूनिट रेडियन ही है। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन, या रेडियन सिर्फ कहो या 1 रेडियन, एक ही चीज होता है।
जब किसी का हम नाम लेते हैं तो वन का बोध होता है, तो या तो वन रेडियन कहिए या सिर्फ रेडियन कर दीजिए तो भी सही, ठीक है। जनरली इट इज डिनोटेड बाय थीटा और सी, रेडियन का सिंबल थीटा और सी जनरली होता है, लेकिन वन रेडियन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, वन रेडियन लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, और रेडियन का सिंबल थीटा और सी, ठीक है। अब क्या है कि इट इज द एस आई यूनिट ऑफ एंगल, इट इज मीन्स कौन, रेडियन या रेडियन, रेडियन है वह ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है, डिग्री भी हम लोग पढ़े ग्रेड भी पढ़े लेकिन वास्तव में रेडियन है जो ऐसा यूनिट है एंगल का, ठीक है। और अब आइए हम लोग रेडियन सिस्टम, अब हम लोग आए रेडियन, या रेडियन हुआ, रेडियन क्या हुआ तो एक सर्कल में जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा आर्क लीजिए, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वह वन रेडियन कहलाएगा। अब देखो, अब हम लोग आते हैं रेडियन सिस्टम, अब हम लोग का तीसरा सिस्टम शुरू, दो को पहले हो गया था तीसरा सिस्टम, रेडियन सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम क्या हुआ, तो पहले तो पढ़ ले कि रेडियन ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है, और जब हम किसी एंगल को रेडियन में मेजर कहते हैं तो कहा जाता है कि यह रेडियन सिस्टम हुआ, मीन्स इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन रेडियन, इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन रेडियन वेयर, होता क्या है तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी कि वन रेडियन इज इक्वल टू 180 बट्टा पाई डिग्री। अब हम लोग आगे प्रूफ करेंगे इसको कि वन रेडियन का वैल्यू कितना होता है, उसमें जब रेडियन हमारा आएगा कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है यानी एक फिक्स एंगल होता है रेडियन, तो हाँ इसका हम कैलकुलेट करके वैल्यू भी निकालेंगे। तो रेडियन सिस्टम में क्या हुआ कि इसमें हम एंगल को मांगते हैं रेडियन में, जहाँ पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। अब एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है तो एक जनरल रिलेशन होता है कि मान लीजिए कोई आप सर्किल बनाते हैं, कोई भी सर्कल या रेडियस आर है, और कोई भी आर्क लेते हैं, एनी आर्क है, कोई भी आर्क ए ले लेते हैं, और यह एंगल थीटा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, एनी आर्क लेंथ एल है और एंगल थीटा है, तो इस केस में इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी आर्क के लेंथ में रेडियस से भाग दीजिए तो रेडियन निकल जाएगा, थीटा रेडियन है ना, देखो रेडियन को हम लोग अभी जस्ट लिखे थे कि रेडियन को थीटा या सी से लिखा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही क्या, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और करके इसी क्वेश्चन लिख सकते हो, दोनों की चीज हुआ, प्रूव दैट रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये दोनों सेम चीज हुआ, सिंबल में हुआ या लैंग्वेज में हुआ।
अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो पहले फिगर समझिए। ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ से मान लें हम जो कि रेडियस है, ठीक है, रेडियस का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ का एक आर्क हम ए बी ले लें, आर लेंथ, बी इसका भी लेंथ आर है, और यदि इसको हम ज्वाइन कर दें तो हम लोग अभी डिफिनेशन में पढ़े कि यह एक रेडियन के बराबर होगा, ठीक है, जस्ट हम लोग अभी पढ़े थे कि यह एक रेडियन के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए, एल एनी आर्क, तो एक एनी आर्क यहां से यहां तक मान हम ले लेते हैं एक सी, और इस आर्क को हम मान लेते हैं कि लेंथ है एल यहां से यहां तक, और इसको यहां से मिलाते हैं तो यह जो एंगल बनता है यह, इसको मान लिया जाए थीटा, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्वेश्चन क्लियर है, इसको मिटा दूं, देखो जो जो आपने माना उसमें वही चीज को लिख दे रहा है एक बार, लेट सी ओ आर इज ए सर्कल, सी ओ आर सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज ए सर्कल, ए बी एंड ए सी आर टू आर्क्स, देखो ए बी और ए सी, ए सी को आप चाहो तो ए बी सी भी लिख सकते हो आर्क में, जब बीच में कोई लेटर आता है तो तीनों को लेके भी लिखा जा सकता है, ए बी एंड ए बी सी भी यहाँ लिख सकते थे जो हमने ए सी लिखा, प्लस आर्क का ऐसे सिंबल भी होता है, ऐसे दे दे तो भी आर्क हो जाएगा, ऐसे दे तो भी आर्क हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ एन लिख चुके हैं आर्क, इसलिए यहाँ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे आप दे दोगे कर्व जैसा तो आर्क का सिंबल हो जाता है, तो ए बी एंड ए सी आर टू आर्क्स ऑफ लेंथ आर, ए बी का आर्क है एंड उसका क्या है एल, रेस्पेक्टिवली ए बी और ए सी दो आर्क लिए जिसका लेंथ आर और यहां से आता क्या है एल रेस्पेक्टिवली, तो जब इसका लेंथ आर है तो डिफिनेशन के अनुसार एंगल ए ओ बी वन रेडियन होगा, एंड एंगल ए ओ सी को हमने थीटा मान लिया, इसलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वन रेडियन एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा लेट, मान लिया वो थीटा है। अब एक चीज देखो, एक सर्कल है, मान लिया जाए यहां से यहां तक आर्क है, इसकी लंबाई है मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर, और यहां जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, सपोज मान लिया कि यह लेंथ है 20 सेंटीमीटर और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, एक दूसरा आर्क लो सी डी और इसके लेंथ को इसका डबल कर दो 40 सेंटीमीटर और इसको यहां से सेंटर से मिलाओ, तो यदि आपने आर्क के लेंथ को डबल किया तो इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल यह भी डबल हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, यहां आर्क 20 सेंटीमीटर, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर 45 डिग्री, हेयर लेंथ ऑफ आर्क इज 40 cm एंड एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज 90 डिग्री, मीन्स व्हेन वी डबल द लेंथ ऑफ आर्क देन एंगल इज ऑल्सो डबल्ड, तो एंगल भी अपने आप डबल हो जाता है,
इस आधार पर हम स्टेटमेंट क्या देंगे, क्योंकि देखो जिस रेशियो में हमने बढ़ाया 2 times तो ये भी 2 times, इसका मतलब कि इसको हाफ करते हैं। जैसे कोई और लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ ई एफ और यह 10 रहेगा, इसका हाफ, तो एंगल ही मिलाइएगा तो यह एंगल भी इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये 45/2 हो जाएगा। तो इस आधार पर एक स्टेटमेंट फॉर्म होता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो वेरिएबल प्रोपोर्शनल कब कहलाते हैं, जब एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ता हो, और यदि एक का घटाते हैं तो दूसरा भी उसी रेशियो में घटता हो, सेम रेशियो में बढ़ता हो और सेम रेशियो में घटता हो, तो वैसे दोनों क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। तो देखो जिस रेशियो में एंगल बढ़ा लेंथ आर का बढ़ा रहा है उसी रेशियो में एंगल भी बढ़ रहा है, लेंथ डबल एंगल डबल, लेंथ हाफ तो एंगल हाफ। तो इस आधार पर एक स्टेटमेंट बनता है क्या, कि सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क, बाई एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क आर्क सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब कि जो आर्क ए बी है वह प्रोपोर्शनल होगा एंगल ए ओ बी का, आर्क ए बी प्रोपोर्शनल एंगल ए ओ बी का। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक कांस्टेंट दिया जाता है, और एंगल ए ओ बी तो ई नीचे आ जाएगा, तो ए बी बाई एंगल ए ओ बी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। उसी तरह से यह जो आर्क है और इसका एंगल यह है, यानी ए सी बाई एंगल ए ओ सी, तो यह भी कांस्टेंट आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हो कि यह बराबर यह लिख सकते हो कि नहीं, डायरेक्ट किस स्टेटमेंट से, इसके द्वारा प्रोपोर्शनल। जब भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो जब इक्वल का साइन देते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। अब इसको नीचे ला के भाग दे दिए तो ए बी बाई इसका एंगल कांस्टेंट, ठीक इसी तरह से ए सी आर्क बाई इसका एंगल बराबर कांस्टेंट आएगा। तो दोनों का आर एच एस सेम, तो इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि हम लोग स्टेटमेंट यहाँ लिख चुके हैं तो उतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए आर्क ए बी, आर्क ए बी बाई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आर्क ए सी बाई एंगल ए ओ सी। अब मैं ऊपर चलूंगा, ऊपर मिटाना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू रखो, आर्क ए बी देखिए वहां आर्क इक्वल है, एंगल ए ओ बी 1 radian है, देख लीजिए आर्क ए बी आर एंगल ए ओ बी 1 radian, फिर आर्क ए सी का वैल्यू एल है, उसका एंगल ए ओ सी देखिए थीटा है, क्रॉस गुना करो थीटा आर एल गुने 1 radian, इसका अर्थ है कि एल रेडियन हो गया, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू आर से इधर डिवाइड कीजिए एल बाई आर रेडियन, ठीक है। अब देखो